हेलो सर, वेलकम। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मींस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो आपके फर्स्ट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जनरली, और साथ ही यही बताऊंगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है अब डे बाई डे स्टैंडर्ड हो रहा है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न के साथ कि आपको किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं और नेक्स्ट मंथ एग्जाम होना है। तो आपको मैं पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो मेरे साथ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइटर के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके पास फॉर्मूला चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप सब में किसी के पास नहीं तो आप बता देना, मैं आपको फॉर्मूला चार्ट अवेलेबल करवा दूंगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और ईमेल अपनी ईमेल आईडी, और मैं उसमें आपको रिवर्ट कर दूंगा। तो आपके पास सारे फॉर्मूले जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उनके फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में रहेंगे। ये आपको बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूले आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका मोर फोकस न्यूमेरिकल में होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें न्यूमेरिकल्स डोमिनेंट हो रहे हैं। विदाउट न्यूमेरिकल आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सक्सेस की बात ही आप छोड़ दो। साथ ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स नहीं है, जो थ्योरेटिकल आप कहे जाते हैं, वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व अनसॉल्व दोनों ही आपको करने होंगे। और अब जो टाइम है इन्हीं को करने का है, अब आपके पास डिटेल स्टडी का टाइम नहीं है। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो है 5 ईयर्स आप कह सकते हो, उनको आपको अच्छी तरह कर लेना है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग मीन्स कॉन्सेप्चुअल टाइप, यानी कि बहुत डिटेल क्वेश्चन आपको देखने हैं, उसके पार्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। और इनको करने के लिए आप बुक्स जो रेफर कर सकते हो, एग्जाम आइडिया होती मार्केट में अवेलेबल है, पुरानी मिल जाए वो भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर टुगेदर विथ है उसे आप ले सकते हैं, ओसवाल के सैंपल पर आते हैं, वो भी किसी भी बुक शॉप में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको ही मिल जाएंगे। जरूर आप कर लेना अगर आप सक्सेस चाहते हो। लास्टली जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड देखा गया, जैसा कि आरसीएमबी एग्जाम में देखा जा रहा है, आरपीएससी भी अब पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि आरपीएससी अपने आप में स्टैंडर्ड एग्जाम है और फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी सब्जेक्ट है इनके लिए नीट के जो क्वेश्चन पेपर थे लास्ट ईयर के, वो आप जरूर देख लेना। जरूर अवेलेबल आपके पास नहीं हो तो आप नेट से देख लेना, ये क्वेश्चन आप करके जाना, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आरएसएमई में ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है, तो आरपीएससी भी पीछे नहीं रहेगी। अगर आप सक्सेस गारंटेड सक्सेस चाहते हैं तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसका और कोई भी तौर नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन आपको पैटर्न बताया, ये क्वेश्चन पैटर्न के बिना आपकी सक्सेस का क्वेश्चन मार्क लग सकता है, तो आप अपनी सक्सेस का क्वेश्चन मार्क लगने ना दें। दैट्स वाई आप ये जरूर कर लें। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि दूसरे टॉपिक आप छोड़ दें, बट कंपेयर टू अदर टॉपिक दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो मैं आपको अब सिलेबस पे लेके चल रहा हूँ। जैसा कि आपके सामने सिलेबस है, पेपर टू फिजिक्स का पेपर है। यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स में आप जो फोकस करना, एरर वाले क्वेश्चन पे फोकस करना, और डायमेंशनल इक्वेशन, यहाँ पे आपको डायमेंशनल इक्वेशन पूछी जा सकती है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और दूसरा ड्राइव करके आपको एक छोटा सा इक्वेशन दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना है किसका डायमेंशन है, या फिर दोनों क्वेश्चन ऐसा पूछे जा सकते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होंगी, बताओ कि आपको इनमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है, 2 या 4। ओके, और एक एरर वाले क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, एरर से एरर फाइंड आउट करने की जाती है, परसेंटेज एरर जनरली फाइंड आउट करने की जाती है। जिसको परसेंटेज आती है इसका मतलब से ग्रॉस एरर भी निकालना आता है, एब्सोल्यूट एरर भी आता है, तो डायरेक्टली आप परसेंटेज एरर पर ही फोकस करना। वैसे आने की कुछ भी आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये आपके फर्स्ट टॉपिक का था। सेकेंड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे बनेगा वो आपका 2 डायमेंशन से बनता है, उसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी से दिया जा सकता है। तो रिलेटिव मोशंस आप जरूर अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन ही फंसाए जब फंसाते हैं अच्छी तरह कैंडिडेट्स को, क्योंकि समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और अगर इसके वेलोसिटी आ गया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का तो वो कर ही सकता है। मोशन इन वन डायमेंशन
इज लेस इम्पोर्टेंट कम्पेयर टू मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन वन डायमेंशन से अगर आपका पूछेगा तो वो पीजी क्वेश्चन होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के पूछने के बहुत अधिक चांसेस हैं। तो ये आपके पास इस टॉपिक से हो गया। नाउ नेक्स्ट इज योर दैट वेक्टर से, तो यहाँ वेक्टर में आपको मल्टीप्लीकेशन पर फोकस करना है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कह रहा एडिशन बनी आ सकता, लेकिन आप मल्टीप्लीकेशन वाले वेक्टर्स पे आप फोकस करें और इस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स वो आप निकाल के जरूर देखें। और ये भी पूछा सकता है कौन सी पॉइंटेड वेक्टर या कौन सी पॉइंट की स्केलर है, तो ये आप जरूर माइंड में रखें। यहाँ पे सेकेंड लॉ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फोर्स फाइंड आउट करने की। फोर्स ही इनडायरेक्टली सेकेंड लॉ है और सेकेंड लॉ ही इंपॉर्टेंट है जिससे फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ निकाला गया है। इसके बाद जो इस पे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स अदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके इम्पल्स और मोमेंटम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और या फिर कोलिजन जिसको हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीन टॉपिक्स में से लॉज ऑफ मोशन पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ डिफाइन करने के लिए नहीं पूछेगा। यहाँ पे जब भी पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको वीवीआई कर सकते हैं। इसके आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है और आ भी चुके हैं और आगे भी आने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे फ्रिक्शन में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास वैल्यू दे रखी होगी, इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने चाहिए। और एक जनरली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो मूव कर रहा है या तो नीचे की तरफ या डाउन साइड या अप साइड, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी होगी आपको। मैं पॉसिबल नहीं भी दे रखी होगी तो आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है, वेट ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन इस पे आप जरूर अपनी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर। एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर जिसको आप थ्री अलग अलग क्वांटिटीज में आप पढ़ रहे हो, एक्चुअली वर्क और एनर्जी सेम है, दैट इज यूनिट इज जूल। सिमिलरली पावर इज एनर्जी और वर्क टाइम फॉर्मेट, ओके, वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड पावर। तो ये तीनों अलग अलग जिसको आप समझते हैं एक्चुअली में तीनों एक ही। इस पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम इस पे आप क्वेश्चन देख लेना कि कितना एनर्जी वर्क किया गया तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई। कोलिजन के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, और साथ ही साथ कोलिजन के साथ साथ आपके पास पावर इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें फिर से मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस हर टॉपिक में करना, न्यूमेरिकल्स डोमिनेंट होंगे और वो भी न्यूमेरिकल्स अच्छे वाले होंगे। सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर साफ कर लेना बेस्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कम टाइम के लिए। अगर आपको टाइम अब नहीं बचा है तो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स के आप सैंपल पेपर ले आए, और सवाल के मिल जाएंगे या फिर एग्जाम आइडिया मिल जाएगी या फिर अरिहंत के ही मिल जाएंगे या फिर टुगेदर विद के, किसी को भी आप ले आए और कर लें। यहाँ पे आप वेव में देखें, आप वेव के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वेव्स, इसमें आपको प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को आपको देख लेना है, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव के इक्वेशन को आपको देख लेना है। साथ ही डॉपलर इफेक्ट पे न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं, डॉपलर बॉडी आपके तरफ आ रही है, बॉडी अपोजिट जा रही है, दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वेव इक्वेशन को भी आप जरूर देख लेना, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन स्टेशनरी वेव इक्वेशन पूछा जा सकता है, कौन से प्रोग्रेसिव वेव के लिए कौन सी स्टेशनरी वेव के लिए, ये नहीं पूछा जाएगा प्रॉपर्टी बताओ भी प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव की, ऐसे क्वेश्चन। बीट के न्यूमेरिकल्स हैं, इसके फॉर्मूले आप याद रखना, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। साथ ही आपकी ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है, तो अगर वेव से क्वेश्चन पूछें तो ऑसिलेटरी मोशन के चांसेस कम हो जाते हैं, अगर ऑसिलेटरी से पूछा जा सकता है तो वेव से चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें भी अगेन आपको फोकस करना है केई और पोटेंशियल एनर्जी SHM, ये आपको फाइंड आउट करनी जाती है। इसमें स्प्रिंग लोडेड भी आ सकता है, जनरली पेंडुलम के पूछे जाते हैं, अदरवाइज स्प्रिंग का भी पूछा जा सकता है, ये एग्जामिनर की मर्जी है क्या सेट करें। आफ्टर दैट ग्रेविटेशन में आपका पूछा जा सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे आप फोकस करना, प्लेनेटरी मोशन इस पे आपको फोकस करना, फॉर्मूला आप याद रखना और एस्केप वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आप याद रखना। इनकी फॉर्मूले बेस्ड बस फॉर्मूला आप बिल्कुल माइंड में रखो, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तक आपको करने के लिए मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज इस समय के लिए आप यूज करें एग्जाम आइडिया टुगेदर विद ये जो क्वेश्चन पेपर है सैंपल पेपर आपको मार्केट में, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके पास इलास्टिसिटी चैप्टर्स, जिसमें आपको हुक्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स या यंग मॉडल्स पे आप फोकस करना न्यूमेरिकल के लिए सबसे अधिक है, इसमें यंग मॉडल्स के चांसेस क्वेश्चन पूछने के। आफ्टर दैट सरफेस टेंशन में आप फ्लूइड प्रेशर
मॉलिक्यूलर थ्योरी से बेंच ऑफ सरफेस टेंशन, इस पे आपको न्यूमेरिकल फोकस करना है, और प्रेशर इनसाइड सोप बबल और ड्रॉप, इस पे आपको फोकस करना है। कैपेबिलिटी पे आप देख लेना, बट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं आते, आते हैं क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले आप इसमें ये फोकस करना सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर पे। नाउ लिक्विड इन मोशन में आपको जो मोस्ट फोकस करना है टर्मिनल वेलोसिटी, इस पे फोकस करना है, स्टॉक स्लोप पे फोकस करना है, और बर्नौली थ्योरम साथ साथ क्रिटिकल वेलोसिटी, इस सबसे इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो टॉपिक्स हैं इस पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली इसमें मिलेंगे, बहुत अधिक चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आफ्टर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें आप जो है इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में इक्वेशन आएंगे, उन इक्वेशन को आप जरूर याद रखना। आरएनएस स्पीड पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, इन सब के आप जो इक्वेशन से फॉर्मूले जरूर आप याद रखना, अदरवाइज इनके क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। मीन फ्री पाथ, ये इसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में बिल्कुल होने चाहिए, तो आप फॉर्मूला चार्ट जरूर बना लेना। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 के लिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब आया आपका सबसे बेस्ट सुपर इंपॉर्टेंट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके लिए आपको थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो पढ़ ही लेना है, लेकिन आपको जो फोकस रखना है स्पेसिफिक हीट पे रखना है, कैलोरीमेट्री पे रखना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि आपको थ्योरी पूछी जाएगी। तो आपको जितने भी इससे रिलेटेड फिनोमिना है, एडियाबेटिक फिनोमिना, आइसोथर्मल फिनोमिना, ये सारे के सारे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है, एफिशिएंसी निकालना, मैक्सिमम एफिशिएंसी हीट इंजन की क्या है, तो ये आपके लिए इसमें इस चैप्टर में आप कुछ भी नहीं छोड़ना, थ्योरी न्यूमेरिकल्स कहीं से भी कुछ भी इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसमें ये वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू मच इम्पोर्टेंट, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, दिस वन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में है। इन पे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में आप हीट इंजन को अच्छी तरह देख लेना, एफिशिएंसी के लिए स्पेसिफिक हीट चेंज ऑफ स्टेट, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ रे ऑप्टिक्स के लिए आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कम, आप TIR पे फोकस रखना और इसकी एप्लीकेशन पे, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, मीन्स न्यूमेरिकल नहीं। लेंसेस के इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे आप लेंस मेकर फॉर्मूला, इस पे बेस्ट क्वेश्चन देख लेना, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म ये देख लेना आप, डिफेक्ट ऑफ विजन, यहाँ पर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पे आपका रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ये आप जरूर कर लेना, इसके फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को जरूर आप रट लेना, समझ लेना, जैसा कि आपको इसे छोड़ना नहीं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इस पे थ्योरी भी मिलेंगी आपको, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें मिलने के चांसेस हैं। वेव ऑप्टिक्स की जहां तक बात है, इसमें इंटरफेरेंस, लॉन्ग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रेक्शन, ये जो पॉइंट और पोलराइजेशन, इन चारों पर आप फोकस रखना, और सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है इसमें लॉन्ग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रेक्शन, ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इस पे बेस्ड डेरिवेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। और ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसमें आपका ये पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिस्टेट, इलेक्ट्रिस्ट में कूलम फ्लो में आपको फोकस करना है, यहाँ इसमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना है कि ट्राइंगल पे 3 चार्ज उसके कॉर्नर पे रखे हैं, रेक्टेंगल उसके कॉर्नर पे चार्ज, इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कूलम फ्लो में अपने आप इंक्लूड हो जाता है, तो अलग से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के पैटर्न देख लेना, और डिफरेंट डिफरेंट मेटल को रखा जाता है तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है, नॉन मेटल को रखा जाता है तब क्या पड़ता है। डाइपोल, इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सके, मैक्सिमम एनर्जी इन डाइपोल कब होती। गॉस लॉ इज टू मच इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको फ्लक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है कि एक चार्ज रखा गया है कि वॉइड के अंदर, इसके साइड पे, इसके कॉर्नर पे, ये गॉस लॉ इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे बहुत अच्छे चांस से, डाइपोल मोमेंट पे,
और कूलम्स लॉ पे। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ कोर्स पे थ्योरी पूछी जा सकती है, मोस्टली प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, और डाइपोल की जैसा मैंने आपको बताया एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जरूर पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं और फिर से पूछे जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है इसको आप फोकस करना। साथ ही कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फोकस करना है और स्फेरिकल कैपेसिटर पर आपको फोकस करना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको वर्ड आएगा उस पर आपको देख लेना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हर कोई कर सकता है, बहुत ईजी है, लेकिन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इसको आप देख लेना कि दो कैपेसिटर पैरेलल में और सीरीज में अरेंज किए गए हैं या फिर पैरेलल कनेक्शन में अरेंज किया है, पैरेलल सीरीज बोथ, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और पोटेंशियल स्टोर्ड इन कैपेसिटर, करंट स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके कैपेसिटेंस में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखना। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केसीएल और केवीएल, इस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको केसीएल केवीएल यूज करके आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा कि वैल्यू फाइंड करो वोल्टेज की, करेंट की, वाट एवर, और रेसिस्टिविटी को आप फोकस कर लेना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बीस्ट स्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के भी क्वेश्चन केसीएल और केवीएल बेस्ड होते हैं, तो अगर आप केसीएल केवीएल बेस्ड आता है तो बीस्ट स्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है, वीट स्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल है, ओम्स लॉ सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आप देख लेना एक बार अच्छी तरह। रेजिस्टर्स की बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपके मैंने टॉपिक बताया यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, पूछे तो सारे जाते हैं कभी ना कभी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना होगा। मैग्नेटिक में आपको बीएच कर्व इस पर फोकस रखना है, वायर्ड सेवर्ड्स लॉ इस पर फोकस करना है, एम्पियर सर्किटेड लॉ इस पर फोकस करना है, सोलेनोइड और टोलेनोइड के आपको जो इक्वेशन है उसको माइंड करना है, गैल्वेनोमीटर के किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वोल्टमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो आपको माइंड में रखना है। परमिबिलिटी इसको फाइंड आउट करने के लिए भी जा सकती है, सस्पेक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए भी जा सकती है, क्यूरी लॉ ये आपको माइंड में रखना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको लेंज लॉ, फिर बेस्ट क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन अधिक इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सेल्फ इंडक्शन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सेल्फ इंडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, फैराड लॉ। अल्टरनेटिंग करंट में आप इस पे क्वेश्चन बनेंगे, आरएलसी सर्किट के बनते हैं, कौन से सर्किट के, आरएलसी और रेजोनेंस कंडीशन। आरएलसी जनरली एसी के पूछे जाते हैं, आरएलसी सर्किट क्वेश्चन उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है, रेजोनेंट कंडीशन पूछी जा सकती है, एवरेज पावर निकालने की पूछी जा सकती है, पावर फैक्टर निकालने की पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मर के जो इक्वेशन है उसको आप देख लेना जरूर से, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके पास आइंस्टीन इक्वेशंस, ये आपको बिल्कुल माइंड में होने चाहिए, डीप ब्रोगली हाइपोथेसिस इसके फॉर्मूले आपको बिल्कुल माइंड में सेट होने चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है हाइपोथेसिस के बेस पे। डेविसन जर्मन इफेक्ट बस आप एक बार माइंड में सेट कर लेना, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट इसको नहीं कहूंगा। न्यूक्लियर में आपको मास इफेक्ट निकालने के लिए फाइंड आउट किया दिया जा सकता है, वाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको दिया सकता है, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर आपको न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी तो आप छोटी है थोड़ा सा पढ़ लेना, और अल्फा बीटा गामा डीके बस आप माइंड पढ़ लेना, लेकिन इसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे आपको, खासतौर पर जिस टॉपिक को मैंने अंडरलाइन किया है। सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस में एनर्जी बैंड में सॉलिड सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसका ट्रांजिस्टर गेन जो होते हैं अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करने की पूछा जा सकता है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड जैसे एलईडी और फोटो डायोड एक्सेट्रा इस पे आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, करंट पूछा जा सकता है, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस पूछा जा सकता है, लॉजिक गेट्स में इनपुट आउटपुट ये जरूर आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं कि इनपुट अगर हम किसी लॉजिक गेट्स में देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास था सॉलिड स्टेट एंड सेमीकंडक्टर के लिए। वेव कम्युनिकेशन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही स्काई वेव प्रोपोगेशन मॉड्यूलेशन में कौन कौन सी टेक्निक होती है ये आपको माइंड में रख लेना है, और इस पे बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, जनरली इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन लॉजिकल आपसे पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैकेनिक्स के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम आपका फर्स्ट पार्ट सीन है, इसमें आपको रिलेस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट्स इनको आपको फोकस करना है, मास एनर्जी डायलेशन सॉरी रिलेशन इसमें आपको फोकस करना है, और इसमें आपका जो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम्स कैंटिलीवर
टॉर्शन ऑफ सिलेंडर, बेंडिंग मोमेंट ऑफ शेयरिंग फोर्सेस, इस पे आप जरूर फोकस कर लेना। आफ्टर दैट सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट, बहुत अधिक अगर एग्जामिनर ने माइंड लगा लिया आपको क्वेश्चन सेट करने वाले हैं तब ये भी आपको दिया जा सकता है। इसके बाद वेव ऑसिलेशन में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, पावर डिसिपेशन, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, क्वालिटी फैक्टर्स, इन पे आपको फोकस रखना है। वेव्स इन मीडिया, ये आपका एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी ट्रांसमिशन, इन पे आपको इस टॉपिक पे फोकस रखना है। नॉइज एंड म्यूजिक, बहुत अधिक आपको टेंशन नहीं लेनी है लेकिन आप फिर भी इसको जस्ट माइंड में रख लेना। इवन ऑडिबिलिटी, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, बेल एंड डेसिबल, इससे आपको हो सकता है इजी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए, मीन्स विदाउट मिमिकल्स थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स, इससे आपको थ्योरेटिक पढ़नी है थोड़ी सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, ये इंपॉर्टेंट है आपको, एटम एंड मॉलिक्यूलर, डाइपोल्स, इसमें आपको पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये बिल्कुल बिल्कुल आप किसी भी तरह हो माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना। लोरेंट्ज लोकल फील्ड्स, ये यहाँ तक का जो सिलेबस है बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। साथ साथ आपके पास इसमें पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये आपके बिल्कुल माइंड में चाहिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपको आ जा सकते हैं जहाँ पे आपको इनकी हेल्प पड़ेगी। ओके, मैक्सवेल इक्वेशन, टू मच VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, CRO, इसमें आपको जनरली इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, मिमिकल्स रेयर बनते हैं लेकिन पूछने वाला पूछ सकता है, लेकिन जनरली इस पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ही आपको मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसमें आपको मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर फोकस रखना है। थर्मल कंडक्टिविटी, आफ्टर दैट जूल्स थॉम्सन एक्सटेंशन, इस पे आपको फोकस रखना है। इसके बाद आपके पास बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस और प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रेडिएशन फॉर्मूला, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये इस चैप्टर के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वंडरवाल्स ऑल्सो, तो इस चैप्टर के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट फोर टर्मिनल्स नेटवर्क, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस में एच पैरामीटर, जिसको हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं, इसको आपको बहुत अधिक फोकस रखना है। थ्योरम में आपको थ्योनीस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योनीस के बाद जो आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है पावर ट्रांसफर थ्योरम, इन दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थ्योनीस जिसको आती है वो नॉर्टन भी कर लेगा, नॉर्टन जिसको आती है वो थ्योनीस भी कर लेगा, और पावर ट्रांसफर में थ्योनीस यही इनडायरेक्टली फॉर्म है आपका पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये आफ्टर दैट रेक्टिफायर में आप ब्रिज रेक्टिफायर पे आप कैलकुलेशन और इसके जो डेरिवेशन हैं उनको आप देख लेना, इसकी एफिशिएंसी पूछी जा सकती है, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। कैपेसिटर में आपके पास संट कैपेसिटर, एल सेक्शन, ये आपके इंपॉर्टेंट है, पाई सेक्शन भी ऐसा नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट है लेकिन कंप्यूटर एल सेक्शन पाई सेक्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आफ्टर दैट वोल्टेज क्रिस्टलाइजेशन बाई जीनर डायोड, इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। जीनर डायोड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज यूज्ड इन एम्पलीफायर, इसको आपको देखना है। ओके, हाइब्रिड पैरामीटर्स, ट्रांजिस्टर बायसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर आपको देखना है, चार्ट के थ्रू भी आपको पूछा जा सकता है कि स्टेबल है या नहीं। इसके बाद आपको पैट से रिलेटेड बायसिंग, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस है या फिर इससे पेस्ट न्यूमेरिकल पूछा है। ऑसिलेटर में सबसे अधिक है हार्टले ऑसिलेटर्स और कॉलपिट, ये हार्टले और कॉलपिट्स पे आप फोकस रखना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज से नहीं जाएंगे, हाँ इस वीडियो में ये बता रहा हूँ जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, इनको आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आते हैं ऑप्टिक्स में, निकल्सन इंफ्रोमेट्री, ये आप जरूर कर लेना, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। टेंसर डिफ्रेक्शन, क्रोनोपर डिफ्रेक्शन, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट एनर्जी लेवल स्कीम, हीलियम नियॉन एंड यूवी लेजर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस ऑप्टिक्स चैप्टर के लिए, साथ ही आइंस्टीन ए एंड बी कोएफिशिएंट भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं।
न्यूटन सिंह से एक बार आप देख लेना, बहुत अधिक मैं नहीं कहूंगा इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन देख जरूर लेना इसको आप। यहाँ पे आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इसके थ्योरी क्वेश्चन को, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जरूर आप करना, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको आप देखना। स्क्रोडिंगर इक्वेशंस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट, इसको आप नहीं छोड़ना। इसमें आप ये सारे टॉपिक्स को आप ये सिंस कम्यूटेशन रिलेशन तक आप सारे को पढ़ जाना, इसमें कहीं भी कोई छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशंस एंड स्टेशनरी सॉल्यूशंस और स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन बिल्कुल आप कर लेना, कहीं से भी इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट तो इसमें एक क्वांटम फीचर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स एटम्स फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा, फिर जिमन इफेक्ट इसको तो आप छोड़ना ही नहीं, एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजिड रोटर रोटेटर एंड डायटोमिक मोलिक्यूल्स, ये जो सारे जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ रमन इफेक्ट तक, ये आप बिल्कुल मैं कहूंगा कि जो सेवेंथ यूनिट है इसको तो आप बहुत अच्छी तरह तैयार करना, और इसमें भी जिसे मैंने अंडरलाइन किए हैं उसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। स्पेंडर इक्वेशन और स्पेरिकल सिमेट्रिकल पोटेंशियल और वाइटल एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स क्वांटाइजेशन स्पेरिकल हार्मोनिक्स, ये आप जरूर कर लेना, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें क्वाड्रोपोल मूवमेंट न्यूक्लियर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर स्पिन ये आप माइंड में सेट करना अच्छी तरह। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ये इस पे छोटिकल क्वेश्चन की जाते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है साइक्लोट्रॉन ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, और आफ्टर दैट एसिलेटर्स के हैं जितने भी आपके ये दे रखे लीनियर एसिलेटर ये साइक्लोट्रॉन, इसमें सबसे अधिक आपसे इम्पोर्टेंट जो है साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट पार्टिकल एंड रेडिएशन डिटेक्टर्स में आयनाइजेशन चैम्बर इसको आप देख लेना, ओके गीगर एंड म्यूलर काउंटर ये आप देख लेना, क्लाउड चैम्बर्स इसको जरूर आप देखना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपका क्रिस्टल बाइंडिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इसमें आपको मिलियर इंडिसेस ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, एक्सरे डिफ्रेक्शन एंड ब्रेक्स लॉ ये इम्पोर्टेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट है आपका आइंस्टीन मॉडल और डिवाई मॉडल, इन दोनों मॉडल में आपको देखना है। आफ्टर दैट इसमें जो नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है दैट इज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एंड वेव फंक्शन इन पीरियोडिक लैटिस, ओके ये आप जरूर देख लेना, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक इनमें से बता रहा हूँ जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और इम्पोर्टेंट मतलब है कि आप दूसरे टॉपिक छोड़ नहीं देना, इसका ये मतलब नहीं समझना। इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी में आप समर फील्ड थ्योरी को जरूर देखना, और उसके बाद ऑल इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना एंड बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी फ्लक्स क्वांटाइजेशन ये इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको। नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको टेंसर एनालिसिस होनी चाहिए, मैट्रिक्स का बहुत अधिक ध्यान करके आप फोरियर पर फोकस करना, फोरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे आप फोकस करना, हैमिल्टन प्रिंसिपल एंड जैकोबी इक्वेशंस के बाद आप देख सकते हैं जरूर, एंड पॉइजन थ्योरम्स इस पे आप ये फोकस कर सकते हैं क्योंकि बहुत अधिक सिलेबस है और टाइम कम है, तो यहाँ मैं आपको जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है टेबल में उस पर फोकस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज में आपको अब जो फोकस करना है वो है आपके पास दैट इज रिटार्डेड पोटेंशियल्स वेव गाइड्स, ये आपको सबसे अधिक इम्पोर्टेंट फोकस करना है क्योंकि वेव गाइड्स हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, तो जनरली क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहाँ हम प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, इसमें आपको गिब्स पैराडॉक्स इस पर आप जरूर फोकस करना, और फोकर्स प्लैंक्स इक्वेशंस इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है, तो इन थर्ड में आपके पास ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बंद है, अदरवाइज क्वेश्चन तो कहीं से पूछ जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में आपको एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग इस पे आपको को फोकस रखना है, एंड पार्सल वेव एंड फेज शिफ्ट एनालिसिस। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्लैंपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट फ्लिप फ्लॉप्स ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, और ऑपएम्प पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑपएम्प ऑपरेशन एम्पलीफायर पे, ओके और हाफ एडर फुल एडर जो सर्किट्स हैं डिजिटल एडर्स उनके आउटपुट निकालने के लिए पूछे जा सकते हैं कि इनके आउटपुट क्या हो। क्लैंपिंग नेक्स्ट जिसके बाद आपके पास है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें आप जो फोकस रखना पॉलीज प्रिंसिपल पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तो आपको पहले से भी कॉन्सेप्ट पता है, फ्रैंक एंड कॉन्डन प्रिंसिपल पर आप
फोकस करना, सेमीकंडक्टर स्टैटिक फिजिक्स में आपको प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स पे आपको फोकस करना कि क्या है, और आप एनएमआर एंड ईएसआर एंड दिस वन, हालांकि इसमें आप मोजवियर इफेक्ट्स ये देख सकते हैं, और साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसको आप जरूर देख लेना, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसमें इम्प्योर और प्योर सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट है वो पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछा सकता है और थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जिसमें आपके पास जो कलेक्टिव मॉडल है इसको आप देख लेना, आफ्टर दैट न्यूट्रॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स पीपी एंड एनपी ये देख लेना आप, रेड एंड इंगर स्केटिंग फॉर्मूला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके ये आप देख लेना, ये आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, और ये पार्ट फोर्थ है इसके लिए आप दूसरे वीडियो से कंसल्ट कर सकते हैं, तो टेक्निकल पोर्शन था वो मैंने कवर किया है, और मैंने जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पे जरूर क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी और आगे भी आने की उम्मीद है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, ये क्लेम नहीं कर रहा कि आप दूसरे टॉपिक्स को छोड़ दें, सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मल्टी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो दैट्स वाई मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप बता दें, मैं उसको फिर से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।